हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर या बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर अपना है सिक्स्थ, और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि जो फ्लावर है उसमें चार टाइप के वर्ण्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। आपने पता आपको पता होगा कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, कोरोला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ स्टेमल्स को एंड्रोशियम कहते हैं, और ग्रुप ऑफ कार्पल्स को ना गाइनोशियम कहते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं बच्चों कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, गौर करिए, कैलिक्स क्या है बच्चों, जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स यानी बहुत सारे सेपल्स, हम सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कैलिक्स जो है वो कंपोज्ड ऑफ होता है सेपल्स, हैं सेपल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब बच्चों इसका काम क्या है कैलिक्स का, तो आपने देखा होगा कि जब फ्लावर बंद होता है, बड स्टेज बोलते हैं उसको, जब फ्लावर बंद धीरे धीरे से खिलता है, आपने देखा होगा, तो जब जो फ्लावर है वो बड स्टेज में होता है तो उसकी प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, यही कैलिक्स करता है। आप सोचते होंगे फ्लावर में तो इसका कोई काम ही नहीं है ना, फ्लावर में तो इसका कोई काम ही नहीं, लेकिन बड स्टेज के अंदर प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, यही कैलिक्स करता है। ठीक है बच्चों, आसान है, बहुत आसान। अच्छा, तो ये था प्रोटेक्शन। इसके बाद बच्चों अगर आपके फ्लावर के अंदर ये जो सेपल्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, गौर करो मैं बता देता हूँ आपको फ्यूज्ड का मतलब क्या है। ये एक सेपल है और इसी के साथ यहाँ ऐसे दूसरा सेपल है, यहाँ ऐसे तीसरा सेपल, मतलब कहने का बच्चों कि अगर एक दूसरे के साथ सेपल्स फ्यूज्ड हैं ऐसे ऐसे फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो अगर आपके सेपल्स, ये लिख देता हूँ मैं, अगर आपके जो सेपल्स हैं फ्लावर में वो फ्यूज्ड हैं तो इस टाइप का जो कैलिक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के कैलिक्स को हम क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस बोलेंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ फ्यूज्ड है ना तो नाम लग जाएगा गैमो, अगर कोई चीज़ फ्री है तो नाम लग जाएगा पोली। आसान है ना, अगर कोई चीज़ फ्यूज्ड है तो क्या नाम लग जाएगा, गैमो, और अगर कोई चीज़ जो है वो फ्री है तो उसको इसके आगे क्या लग जाएगा, पोले। तो अगर आपके फ्लावर में जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे लगे हुए हैं, फ्यूज्ड हैं आपस में, ठीक है, तो इस टाइप का जो कैलिक्स अपना क्या कहलाएगा, गैमोसेपलस कहलाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके सेपल्स फ्री है बच्चों, देखना एक सेपल ये है, एक सेपल ये है, एक सेपल ये, मतलब फ्यूज्ड ना है, एक दूसरे से अलग अलग है। अगर सेपल्स फ्री हैं, अगर सेपल्स फ्री हैं तो इस टाइप का जो आपका कैलिक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीसेपल्स कहलाएगा, पॉलीसेपल्स। आसान है, कुछ नहीं है। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। काम क्या है, प्रोटेक्शन का, बड स्टेज के अंदर जो फ्लावर होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कैलिक्स। अगर सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है फ्लावर में तो उसको बोलेंगे गैमोसेपल्स, अगर सेपल्स फ्री हैं तो क्या बोलेंगे, पॉलीसेपल्स बोलेंगे। आसान है बच्चों, कुछ नहीं है, तो गौर करिए। अब कैलिक्स कर लिया हमने, चलो कोरोला देखते हैं। कोरोला क्या, आप जानते हो अच्छे से कोरोला क्या है। अब कैलिक्स क्या था, ग्रुप ऑफ सेपल्स था, कोरोला क्या हो जाएगा, कोरोला क्या हो जाएगा, कोरोला हो जाएगा ग्रुप ऑफ पेटल्स, यानी पेटल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। आसान है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं बच्चों कि कोरोला का काम क्या है। वैसे आपने टेंथ में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कोरोला जो है रंग बिरंगे होते हैं, हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करने के लिए वगैरह वगैरह। तो चलिए बच्चों देखते हैं कोरोला का काम, आप जानते हो अच्छे से। अगर आपके जो कोरोला है उसमें अगर पेटल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, फ्यूज का मतलब ये एक पेटल, ठीक है, और यहीं से एक दूसरा पेटल, यहीं से एक तीसरा, कहने का मतलब अगर पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो एक टर्म यूज करी जाएगी, कौन सी, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस। और अगर आपके जो ये पेटल्स हैं ये एक दूसरे से फ्री हैं तो टर्म यूज करी जाएगी, पॉलीपेटलस। ठीक है बच्चों, आसान है, कुछ नहीं है। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। अगर आपके जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं तो क्या कहलाएगा, अगर पेटल्स फ्यूज्ड है तो क्या कहलाएगा, गैमोपेटलस कहलाएगा ना। अगर पेटल्स फ्री हैं तो क्या कहलाएगा, पॉलीपेटलस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसको आपने अच्छे से करना है। तो जो टॉपिक है अपना वो है एस्टिवेशन, एस्टिवेशन ही है ना, एस्टिवेशन।
आपको मैं बुक के हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे बुक में है वैसे वैसे। तो आपका ये टॉपिक जो है नेक्स्ट वो है एस्टीवेशन। होती क्या है एस्टीवेशन है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन बड स्टेज विद रिस्पेक्ट टू ईच मेंबर ऑफ सेम वर्ड। आसान है बच्चों, कुछ नहीं है। एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट है किसकी? सेपल्स और पेटल्स की, या सेपल्स का जो वर्ल है उसकी अरेंजमेंट है, या पेटल्स का जो वर्ल है उसकी अरेंजमेंट है। सेपल्स और पेटल्स लिख लीजिए, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है सेपल्स की या पेटल्स की, उन्हीं के वर्ल के जो मेंबर है ना उनके साथ। यानी अगर मैं सेपल्स की बात करूं तो सेपल्स एक दूसरे के साथ कैसे ओरिएंटेड है वो अरेंजमेंट, या पेटल्स की बात करूं तो पेटल्स एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसे ओरिएंटेड है वो अरेंजमेंट। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, ठीक है, इन बड स्टेज के अंदर, जो बड स्टेज होती है ना उसके अंदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच मेंबर ऑफ सेम वर्ल, यानी सेम वर्ल के हर एक मेंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको करके देखिए, बहुत आसान है ये, कुछ नहीं है। आपको डेफिनेशन हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल लगी, है कुछ नहीं। ये जो एस्टिवेशन है बच्चों, ये चार टाइप की प्रेजेंट होती है। आप इमेजिन करिए कि आप फ्लावर को बड स्टेज के अंदर, जब फ्लावर ऐसे बंद होता है ना उस स्टेज के अंदर, आप ब्लेड से उस फ्लावर को ऐसे हटा देते हो, ऊपर वाला जो ऐसे कैप्सा होता है ना उसको आपने हटा दिया। कहने का मतलब जो बड होता है वो कुछ ऐसा होता है, आपने क्या किया, इतना काट दिया। इतना काटने के बाद आपको है ना ये जो सेपल्स हैं पेटल्स हैं इनकी अरेंजमेंट अच्छे से दिखने लग जाएगी, ठीक है। हम ऊपर से व्यू कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अरेंजमेंट कैसे है। तो चलिए, सबसे पहली अरेंजमेंट या एस्टिवेशन है वाल वेट। यानी एक वर्ल के अंदर अगर ये जो सेपल्स हैं या पेटल्स हैं ये कुछ ऐसे प्रेजेंट है, गौर करना बच्चों, एक वर्ल के अंदर अगर ये सेपल्स एंड पेटल्स ऐसे हैं, छोटा बड़ा एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको सेम साइज का भी बना सकते हो, कोई बड़ा बन जाता है कोई छोटा बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो अपने वर्ल में प्रेजेंट है कुछ ऐसे, यानी सिर्फ जस्ट एक दूसरे के जो मार्जिन हमको टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये क्या है बच्चों, एक्चुअली पेटल्स या सेपल्स हैं अपने वर्ल के अंदर। आपने जैसे कट कर दिया ना उसको, अब आप देख रहे हो उसको अच्छे से, ठीक है। तो चलिए चेक कीजिए इसको, ये पेटल्स या सेपल्स हैं जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज्ड हैं अपने वर्ल के अंदर, ठीक है। अगर ये जस्ट एक दूसरे को टच ही कर रहे हैं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, वॉलवेट अरेंजमेंट बोलेंगे। सिंपल सी अरेंजमेंट है बच्चों, कुछ नहीं है, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, वॉलवेट अरेंजमेंट बोल देंगे। यानी कि अगर सेपल्स या पेटल्स अपने वर्ल में एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, ये एक पेटल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फ्लावर के अंदर ही ये चौथा है और ये पांचवा है। कब पता चलेगा आपको अरेंजमेंट का, बड स्टेज के अंदर। बड़े होने के बाद नहीं पता चलेगा, हो सकता है बड़े होने के बाद ही पता चल जाए, लेकिन इतना अच्छे से नहीं। बड स्टेज के अंदर आपको अच्छे से पता चलेगा, यानी अरेंजमेंट है पेटल्स या सेपल्स की, अगर वो एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं तो ये अरेंजमेंट कौन सी कहलाएगी, वॉलवेट कहलाएगी। एग्जांपल इसका कैलोट्रॉपिस, ठीक है। दूसरी अरेंजमेंट की बोल करते हैं बच्चों, दूसरी अरेंजमेंट कौन सी है, ट्विस्टेड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि पेटल्स या सेपल्स ऐसे अरेंज हैं कि उनकी एक मार्जिन जो है वो ओवरलैप करती है दूसरी को, और उससे अगली उससे नेक्स्ट को, ठीक है। चलिए चेक करते हैं ट्विस्टेड कौन सी है। वॉलवेट तो बहुत सिंपल थी, कोई इनमें ओवरलैपिंग नहीं है, बस एक दूसरे के जो मार्जिन उनको टच कर रही है, ठीक है। ट्विस्टेड क्या होती है बच्चों, ये भी अरेंजमेंट है सेपल्स या पेटल्स की अपने वर्ल में। अब कैसी होती है इसको गौर करना बच्चों, अब मैं वैसे नहीं बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि जो पेटल्स है वो या सेपल्स है वो कुछ ऐसे अरेंज है कि उनकी एक मार्जिन जो है वो ओवरलैप कर रही है दूसरी को, और दूसरी किसी और के द्वारा ओवरलैप होगी। सिंपल सी बात है ना। अब देखिए, अब मैं इसको बनाता हूँ पहले, उसके बाद देखना आप, ठीक है। और सही है ना, सामने आएगा आपके, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये, और उसके बाद ये, हाँ जी, बहुत आसान, ये
ट्विस्टेड, दूसरे की बात कर रहा हूँ ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है कि जो सेपल्स और पेटल्स है वो एक दूसरे को जस्ट टच नहीं कर रहे, उनकी एक मार्जिन जो है वो ओवरलैप कर रही है दूसरे पेटल की मार्जिन को। अब ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, देखिए पहले पेटल की ये मार्जिन दूसरे पेटल की इस मार्जिन को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। यानी इस केस में क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि एक मार्जिन जो है वो दूसरे पेटल के मार्जिन को क्या करती है, ओवरलैप करती है। देखिए इसने इसको ओवरलैप किया हुआ है, इसने नेक्स्ट की मार्जिन को ओवरलैप किया हुआ है और इसने नेक्स्ट की मार्जिन को ओवरलैप किया हुआ है। एक डायरेक्शन है बच्चों, एक क्या है आपको डायरेक्शन मिल रही है, कुछ ऐसे से डायरेक्शन मिल रही है ना कि ये देखिए ये पेटल जो है इसकी मार्जिन इस पेटल की मार्जिन को ओवरलैप कर रही है, इस पेटल की मार्जिन ऐसे ओवरलैप कर रही है, इस पेटल की मार्जिन ऐसे ओवरलैप कर रही है, इसकी ऐसे ओवरलैप कर रही है। कहने का मतलब यूनिक डायरेक्शन मिल रही है आपको। हाँ है क्लियर ट्विस्टेड में कि इसमें सिर्फ जस्ट एक दूसरे को टच नहीं करते पेटल्स, एक पेटल की मार्जिन, ये एक पेटल है ये दूसरा पेटल है, एक पेटल की मार्जिन दूसरे पेटल की मार्जिन को टच करेगी। क्लियर है, ये है ट्विस्टेड। एग्जाम्पल क्या है, कॉटन। आसान है। अब ऐसा ही कुछ केस होता है बच्चों, तीसरा जो आपका अरेंजमेंट है जो है इम्ब्रिकेट, उसमें भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, इम्ब्रिकेट चलिए चेक करते हैं। इम्ब्रिकेट क्या है बच्चों, सेम यही केस है। यानी अरेंजमेंट सेपल्स पेटल्स, ठीक, जिसमें जो मार्जिन है, एक मार्जिन जो है एक पेटल की या सेपल की, एक मार्जिन दूसरे पेटल या सेपल की मार्जिन को क्या करती है, ओवरलैप करती है। लेकिन वहाँ पे कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, यहाँ पे क्या थी, यूनिक डायरेक्शन थी, एक पेटल जो है दूसरे पेटल की, दूसरा तीसरे की तीसरा चौथे की ऐसे करके एक यूनिक डायरेक्शन थी। लेकिन इम्ब्रिकेट में ऐसी यूनिक डायरेक्शन नहीं मिलती आपको, वहाँ ओवरलैप तो करते हैं लेकिन रैंडम फैशन में अरेंज है। कैसे, चलिए चेक करते हैं। एक ऐसे कम्प्लीटली बाहर है, एक ऐसे कम्प्लीटली अंदर है, फिर एक जो है वो इसकी मेम्ब्रेन को ऐसे कर इसकी मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, और एक इसकी भी मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, फिर एक इसकी मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। यानी ध्यान से देखिए, ओवरलैपिंग तो यहाँ पे भी है लेकिन एक यूनिक डायरेक्शन नहीं है। देखना, ये इसकी मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है लेकिन ये किसी की मार्जिन को ओवरलैप नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो है ये इसकी मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है लेकिन इधर देखिए ये इसकी मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है लेकिन नेक्स्ट इसने इन दोनों की मार्जिन को ओवरलैप कर रखा है। कहने का मतलब बच्चों, ट्विस्टेड जो थी उसमें एक डायरेक्शन थी यूनिक, आपने चेक किया था, अभी वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ट्विस्टेड में एक यूनिक डायरेक्शन थी, एक दूसरे की मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, वो दूसरा तीसरे की मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, तीसरा चौथे की मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं मान लूँ ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहले ने दूसरे की मार्जिन को ओवरलैप तो कर रखा है लेकिन दूसरे ने तीसरे पेटल की मार्जिन को ओवरलैप नहीं किया हुआ है। चेक किया आपने, ये होता है इम्ब्रिकेट। किसमें पाया जाता है, गुल मोहर का जो फूल होता है उसके अंदर पाया जाता है। और चौथा तो सबसे यूनिक है बच्चों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ये सारा साफ करके आपको बताता हूँ। चौथा है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले वैक्सिलरी पाया किसमें जाता है, जो वैक्सिलरी है वो पाया जाता है जो पी प्लांट्स होते हैं ना, मटर के पौधे होते हैं, उनके पेटल्स में पाया जाती है ये अरेंजमेंट। गौर करना बच्चों, वैक्सिलरी कभी भी सेपल्स में नहीं पाया जाती। ऊपर आपने तीन पढ़े ना, वाल्वेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट, वो सेपल्स में पाए जाते हैं, पेटल्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन वैक्सिलरी सिर्फ पेटल्स में अरेंजमेंट ये पाए जाती है। अब होती कैसे है, बहुत आसान है। पी प्लांट्स के अंदर आप देखना, जो फ्लावर होता है ना कुछ ऐसा होता है कि उसमें एक पेटल बहुत ही बड़ा होता है, एक पेटल जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, इसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये पेटल दो लैटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है और ये दो लैटरल पेटल दो स्मॉल इंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप करते हैं। बहुत आसान सी अरेंजमेंट है बच्चा, कुछ नहीं है। वैक्सिलरी जो है वो आपकी चौथे टाइप की अरेंजमेंट है, इसमें कुछ नहीं, पीज में पाई जाती है, सिर्फ पेटल्स में, ठीक है, सेपल्स में नहीं पाई जाती। तो होता क्या है, इसमें एक बड़ा जो पेटल है वो ऊपर की तरफ होता है, वो ओवरलैप करता है दो लैटरल पेटल्स को, और जो दो लैटरल पेटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं दो स्मॉलर पेटल्स को। अच्छा, ये एक है, एक ही है, ठीक है, ये दो हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये दो हैं, ये फ्यूज्ड है, ये दो हैं, ये फ्यूज्ड, ठीक है। नाम बोले तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, इन दो को बोला जाता है विंग्स और इन दो को बोला जाता है की। आसान है, कुछ नहीं, वैक्सिलरी अरेंजमेंट, ठीक है बच्चों। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही आप काम करते रहिए। हमने डीमोटिवेट नहीं होना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है बच्चों, धीरे धीरे टर्म्स को पढ़ना है, बायोलॉजी की लाइन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप ही जीनियस माइंड हो जो इस लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और
दूसरी चीज़ क्या है बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई जो वीडियोज़ आएंगी उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।